इंडियन यूथ कांग्रेस के तहत प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के सभागार में देश में महिलाओं की आधी आबादी पूरा हक और नारी न्याय विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा में इंदिरा फेलोशिप की प्रतिनिधि उपस्थित थी। भोपाल लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरुण श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस ने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बनाया है। 1971 में देश में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया गया। भाजपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि वो 10 साल से विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं दे पाए। इमरती देवी को लेकर दिए विवादित बयान पर जीतू पटवारी का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि उनके कहने का मतलब गलत नहीं था, वे तो बस इतना कहना चाह रहे थे कि इमरती देवी का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। कार्यक्रम चल रहा है, इसमें एक हम मैसेज देना चाहते हैं कि भारत की पहली प्रधानमंत्री इंदिरा जी के रूप में कांग्रेस ने बनाया और भारत ने 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा और बहुत से अंतर्राष्ट्रीय समस्या हमारी इंदिरा जी के नेतृत्व में समाप्त हुई। आज हिंदुस्तान के सामने एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। 10 साल से वो बोल रहे हैं कि हम विधानसभा लोकसभा में बराबरी का अधिकार महिलाओं को देंगे, लेकिन करने के नाम पे कुछ नहीं। राजीव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ उन्होंने इस चीज़ की घोषणा कर दी थी कि महिलाओं को पंचायतों में और नगर पालिकाओं में, नगर निगमों में एक अधिकार मिलेगा, पार्षद के रूप में, मेयर के रूप में, सरपंच के रूप में, जनपद अध्यक्ष के रूप में, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में। महिलाओं के लिए जो कुछ भी काम किया है वो कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने कभी महिलाओं के हितों की बात नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।